अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खर नेशनल हाईवे पर पुलिस चौकी के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में 7 साल बच्ची मौका पर जा बहक, एक औरत समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईसा खेल पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवार शाहिद खान नियाजी एडवोकेट के एजाज में असगर खान एडवोकेट ने जहराने का अहतमाम किया, जिसमें ईसा खेल बार के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब में असगर खान एडवोकेट और उनके साथियों ने शाहिद खान नियाजी एडवोकेट को अपनी हमायत का भरपूर यकीन दिलाया। इस तकरीब से सदर बार ईसा खेल तारिक आलिम खान ने खिताब भी किया। घोट की तहसील अस्पताल पर एंटी करप्शन टीम का छापा, छापा एंटी करप्शन टीम के डिप्टी डायरेक्टर सखर मुनीर अहमद की क्यादत में मारा गया। शिकायत मिली है कि अस्पताल अमला मरीजों को वैक्सीन मुहैया करने के बजाय रेफर कर देते हैं। वैक्सीन होते हुए फ्राहम ना करना अफसोसनाक अमल है। एडिशनल SP जुल्फकार खान ने हरिपुर में क्राइम बाइक सर्विस के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर क्राइम बाइक के ड्राइवर्स में हेलमेट भी तकसीम किए गए और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई गई। इस मौका पर इंस्पेक्टर ट्रैफिक इलियास फरीद भी इनके हमराह थे। पसरूर जहरीला शोरबा खाने से 7 अफराद की हालत तश्वीशनाक, इनको फौरी तौर पर THQ अस्पताल पसरूर रेफर किया गया। जरूरी तिबी इमदाद फराहम करने के बाद इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही, मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।